कहते हैं कि इंसान को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। जुबान ही है जो पल भर में महाभारत की भी पटकथा लिख देती है, और फिर राजनीति में भाषाई मर्यादा का जो ख्याल नहीं करता उसे तो जनता हमेशा मजा चखाती रही है। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। देश के राजनीतिक फलक से निरंतर गायब होती जा रही कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। पहले मणिशंकर अय्यर, फिर मधुसूदन मिस्त्री और अब जयराम रमेश। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द और उलूल जुलूल बोलने की जैसे कांग्रेस में कोई होड़ सी लगी हो, वो भी हमेशा अहम मौकों पर, जब किसी बड़े राज्य के या फिर आम चुनाव नजदीक होंगे। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के खिलाफ नीच शब्द का इस्तेमाल किया था और कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह मुंह की खाई थी। 2017 से 2022 आ गया लेकिन कांग्रेस का ट्रैक नहीं बदला। अब एक बार फिर से गुजरात विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार जुबान फिसली है कांग्रेस के सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री की। मिस्त्री ने कहा कि वो आने वाले चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात बताएंगे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि जयराम रमेश ने फूड सिक्योरिटी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे पर तंज कसते हुए पीएम मोदी को यू टर्न का उस्ताद बता दिया। कांग्रेस बार बार वही गलती दोहरा रही है, और वही गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो फिर वो अभिशाप भी बन जाती है। कांग्रेस के लिए यह अभिशाप निरंतर बना हुआ है। कांग्रेस लगातार एक गलती दोहरा रही है और पीएम मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन शब्दों का इस्तेमाल बेहद अहम मौकों पर किया गया। पहले मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए पीएम मोदी को उनकी औकात दिखाने की बात कह दी, तो लोगों को मणिशंकर अय्यर याद आ गए। राजनीतिक जानकार इसे गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा घाटे का सौदा बताने लगे, क्योंकि पीएम मोदी गुजरात के लोगों के लिए एक ब्रांड है, पर मिस्त्री की बात लोगों के दिमाग से उतर पाती उससे पहले ही जयराम रमेश पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें यू टर्न का उस्ताद बता दिया। जबकि कांग्रेस यह अच्छे से जानती है कि तमाम कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल बेहद अहम मौकों पर किया है और उसका क्या खामियाजा उसे उठाना पड़ा है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं के गलत शब्दों को भाजपा ने अक्सर भुनाया है। पीएम पर अटैक होता है तो भाजपा इसे कांग्रेस की मानसिकता बताने लगती है। इस तरह वो आम जनता की सहानुभूति हासिल कर लेती है। नतीजा, कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार पूरे देश में कमजोर होता जा रहा है। वहीं बीजेपी लगातार हावी होती गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेसी नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसमें राहुल गांधी तक का नाम शामिल है। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, सुबोधकांत सहाय, रणदीप सुरजेवाला, अलका लांबा, शेख हुसैन, अजय राय भी यह कारनामा अंजाम दे चुके हैं। अब इन कांग्रेसी नेताओं की जुबान फिसल जाती है या फिर वो किसी रणनीति के तहत ऐसा करते हैं, या तो वही जाने, लेकिन लॉन्ग टर्म में या कांग्रेस के लिए कहीं से भी फायदा पहुंचाने वाली नीति नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।